वेलकम टू बी ब्लेस्ड अकेडमी चैनल। एक बार फिर दोबारा एक बहुत ही बेहतरीन टीचिंग के साथ मैं आया हूँ, और इसका टाइटल हमने रखा है अपने जीवन में चमत्कार होने दो। ये टाइटल ही एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली है कि कैसे अपने जीवन में हम चमत्कार को होने दें। अपने जीवन में चमत्कार होने दो, मतलब हमें होने देना है चमत्कार को, राइट? और कैसे चमत्कार होगा, यही इस टीचिंग में हम लोग बात करेंगे। चमत्कार माने क्यों, कुछ लोग कहते हैं कि चमत्कार की क्या ज़रूरत है। चमत्कार की ज़रूरत है, हर एक चीज़ में चमत्कार की ज़रूरत है। अगर आप बीमार हो, ठीक होने के लिए चमत्कार की ज़रूरत पड़ती है कई बार, है ना। बुखार हो तो ठीक है, मगर कई बार कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जिसके लिए चमत्कार की ज़रूरत पड़ती है। चमत्कार माने मिरेकल, मिरेकल माने समतक जो आमतौर से नहीं हो सकता, मगर परमेश्वर की सामर्थ्य से हो सकता है, परमेश्वर के कृपा से हो सकता है, परमेश्वर हमारे द्वारा काम करने के द्वारा हो सकता है, राइट? तो इसीलिए इसका टाइटल मैंने अपने जीवन में चमत्कार होने दो रखा है। ये पहला भाग है, कई सारे पाठ आएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और क्योंकि मैंने सीखा तो इसलिए मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी अपने जीवन में बेहतर 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 बनते जाओ और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाओ। और जब आप इस टाइटल को सुनोगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या चीज़ बताएंगे इसमें और कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे इसमें। कुछ नहीं बताएंगे इसमें, आपको एक बहुत बड़े सामर्थ्य के बारे में बताऊंगा, कैसे चमत्कार आपके जीवन में हो सकता है। उसके बहुत सारे टेक्निक हैं, बहुत सारे फॉर्मूला है, मगर हम एक चीज़ को लेकर चलेंगे और इसके द्वारा आपको आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है या चमत्कार आप होने दे सकते हो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो। और उसका नाम क्या है, क्या करना पड़ेगा मुझे, कैसे मुझे मुझे मेरे चमत्कार मेरे जीवन में चाहिए क्या। सबसे पहले तो आपको आपके जीवन में चमत्कार चाहिए क्या। चमत्कार माने लोग सोचते हैं कि जो लोग चल नहीं पा रहे हैं वो चलेंगे तभी चमत्कार है, ठीक है वो भी चमत्कार है। अब जो लोग बहुत सालों से बीमार हैं वो ठीक हो जाएंगे, वो चमत्कार है, वो भी चमत्कार है। यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया, वो भी चमत्कार है। बहुत सारे चमत्कार यीशु मसीह ने किए हैं और बाइबल में लिखा हुआ है, और बहुत सारे चमत्कार लोगों के जीवन में भी हुआ है। और क्या जिन लोग जो लोग अच्छे खासे रह रहे हैं, मतलब जिनको कोई तकलीफ नहीं है जीवन में, लगता है उनको कि हमें तो कोई परेशानी नहीं है, मेरी नौकरी ठीक है, तनख्वाह भी ठीक है, मेरा जीवन ठीक ठाक चल रहा है, मुझे चमत्कार की ज़रूरत नहीं है, मैं कहता हूँ आपको भी चमत्कार की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। क्योंकि चमत्कार सिर्फ ऐसे कोई सुपर नेचुरल चीज़ होने के लिए नहीं है, आपको एक बेहतर इंसान बनना भी चमत्कार है, राइट? अगर मान लो कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी बुरी लत में फंसा हुआ है जिसमें से उसको निकलना है, उसके लिए भी उसको चमत्कार की जरूरत है, राइट? बहुत सारे लोग कर्जे में फंसे हुए हैं, उस कर्जे से निकलना भी एक चमत्कार है, है ना। मैं कर्जे में फंसा हुआ था पर परमेश्वर ने मुझे उस कर्जे से बाहर निकाला, तो वो भी एक चमत्कार हुआ, राइट? और सिर्फ कर्जा बुरी आदत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में हैं। हम एक एक घर लेना चाह रहे हैं या घर लिया हुआ है, वो घर हमें मिल नहीं रहा, तो वो घर मिलना भी हमारे लिए एक चमत्कार है। तो हर एक तरीके से अगर आप देखोगे कि भाई ये चमत्कार हो रहा है मेरे लाइफ में और मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में चमत्कार हो, सबसे पहले तो आपके अंदर ये डिज़ायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि आपको चमत्कार चाहिए। मैं मेरे जीवन में चमत्कार देखना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में चमत्कार होने देना चाहता हूँ। जब आप उस वे से इसको लेंगे तभी आपको ये टीचिंग काम करेगा, तभी आप इस टीचिंग को सीरियसली लोगे, तभी इस टीचिंग में जो बताई गई चीज़ें उसको आप लागू करने लगोगे, तो आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा, आपको आपके जीवन में भी चमत्कार होने लगेगा और आप खुद इसकी गवाही दोगे कि सही मान्य में मेरे जीवन में मैंने चमत्कार होते हुए देखा है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते हुए देखे हैं। चमत्कार कुछ ऐसे नहीं कि कुछ अद्भुत हो गया हो, मगर जब आप देखोगे उस सिचुएशन से जब आप बाहर आते हो, आपके साथ जो चीज़ें हुई है वो एक चमत्कार चमत्कारी है,
जो चीज हम नहीं कर पाए वो कर पाए, तो वो एक चमत्कार है। हमें लग रहा था कि हम उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उसमें से बाहर निकल आए तो वो एक चमत्कार है। हमें हमें लग रहा था कि वो नहीं मिलेगा, मगर वो हमें मिल गया, तो वो एक चमत्कार है। वो ये कैसे हुआ और कैसे हम इस चमत्कार को अपने जीवन में होने देंगे, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप पहले अपने मन में, अपने हृदय में, अपने अपने दिमाग में, अपने जहन में, सभी चीजों में पहले ये चीजें लेके आओ कि क्या आपको चमत्कार चाहिए। डू यू वॉन्ट मिरेकल टू हैपन इन योर लाइफ? क्या आपको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए? हाँ, मुझे मेरे जीवन में चमत्कार चाहिए। ये सिचुएशन मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूँ करने के लिए, मैं अपने अपने सारे ज्ञान लगा रहा हूँ, मैं अपने सारे जुगाड़ लगा रहा हूँ, मैं अपने सारे पेत्र लगा रहा हूँ, मगर उसमें से कंप्लीटली बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। कभी कुछ जुगाड़ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मगर मैं आ नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे परमेश्वर, मुझे चमत्कार चाहिए। अब जब आप उस बात को लेकर, उस व्यू पॉइंट से आगे बढ़ोगे, उस बात से आप आगे बढ़ोगे कि मुझे चमत्कार चाहिए, और सिर्फ आपको नहीं, किसी और के लिए भी अगर आप चाहते हो कि भाई उसके जीवन में ये चमत्कार होना चाहिए, तो आप भी इसको शुरू कर सकते हो। उस व्यक्ति को नहीं समझ आ रहा, मगर आप समझ सकते हो, और उसके द्वारा उसके जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है और आएगा भी। और वो हम आपको आने वाले हफ्तों में बताते रहेंगे कि कैसे आप ही की लाइफ में नहीं, बल्कि आपके आप जिन लोगों से प्रेम करते हैं, जिन लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, आप उनके जीवन में चमत्कार देखना चाहते हो, तो उनके जीवन में भी चमत्कार होगा। और ये कैसे होगा, ये हम आपको इस पूरे टीचिंग में आपको हफ्ते भर हफ्ते जब मैं रिकॉर्डिंग आपको डालूंगा, उसमें आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कैसे सिर्फ मेरे जीवन में नहीं, बल्कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके जीवन में भी कैसे चमत्कार हो सकता है। तो इस टीचिंग को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये टीचिंग के जो टाइटल है, इसी को आपके दिमाग में रहना है, रखना है कि अपने जीवन में चमत्कार होने दो, मैं अपने जीवन में चमत्कार होने दूंगा, है ना। इसी को आप बोल सकते हो, है? कई बार अगर जब उठते उठ, उठ उठोगे तब आप ये बोल सकते हो कि आज मेरे जीवन में मैं चमत्कार होने दूंगा। कई बार हम अपने अविश्वास से, कई बार हम अपने डर से, कई बार हम अपने संदेह से, कई बार अपनी लापरवाही से, कई बार हम अपने जीवन में बेहतरीन चीजों को होने नहीं देते हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा रूटीन में हम रह गए। रोज उठना, रोज काम पे जाना, रोज आना, रोज सो जाना, जो रोज खाना खाना, रोज यही रूटीन हो चुका है। एक रूटीन लाइफ जी रहे हैं और उस रूटीन लाइफ में भी खुश हैं लोग। मुझे नहीं पता चलता कि कैसे खुश हैं। क्यों नहीं वो एक अजीब ब्रेक थ्रू के लिए ना, कुछ तो कुछ चाहिए परमेश्वर, मैं चाहता हूं कुछ करना, तो रूटीन लाइफ नहीं, कुछ बेहतर करना है, बढ़िया करना है। अब अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट हो, अगर आप कहते हो कि मैं ठीक ठाक हूं, मुझे कोई और जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपको परमेश्वर इस्तेमाल कैसे करेगा यदि अगर आप अपने अपने के लिए जी रहे हो। आपको परमेश्वर के कहना, परमेश्वर इतना तक तो मेरे लिए तो ठीक हो गया है, अब मैं चाहता हूं कि मैं औरों के लिए करूं, राइट? चाहते हो? मैंने यही बताया था ना, अगर आपके लिए नहीं भी चाहिए आपको चमत्कार, आप दूसरों के लिए तो चमत्कार, आप आशीष का कारण बन सकते हो। यही तो हमारे चैनल का एम है कि हम आपको आशीषित करें, हम आपको ब्लेस करें, आपको सिखाएं कैसे आप आशीषित जीवन जिए, ताकि आप औरों के लिए आशीष के कारण बनो। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो टीचिंग है ये अच्छा ही नहीं लगेगा, बल्कि आपको प्रेरित करेगा, आपको उत्साह करेगा, ताकि आप भी सुनो और आप औरों को भी भेजो जिसको ये सुनने की आपको लगता है कि उस व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी, तो आप उसे भेजो, उसको सुनने दो और उसके जीवन में काम होने दो। आप सब्सक्राइब करो इसको, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, जो भी करना है आप करो। आपको जो भी कमेंट लिखना है आप कमेंट लिख सकते हो, कुछ पूछना है तो आप वहां पर नीचे इसी ऑडियो के वीडियो के नीचे आप लिख सकते हो कि भाई मेरे को ये समझ नहीं आया, तो आप पूछो तो हम आपको बताएंगे। आपको प्रार्थना करनी है तो आप हमसे लिख के भेज सकते हो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये सब कुछ हो सकता है, आप इसको लेकर पढ़ो, सुनो, समझो, सीखो, ये आपके जीवन में चमत्कार लेके आएगा, मुझे विश्वास है, और आपको भी विश्वास आ जाएगा जब सुनते सुनते, और जरूर ये आपके लिए बहुत बेहतर टीचिंग रहेगी। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं इसको बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इसको सिखा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि ये हमारे चैनल में रिकॉर्डेड, नहीं, ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर ने बना रखा है और परमेश्वर की इच्छा है। हम किसी को क्या सिखाएंगे, परमेश्वर की आत्मा चाहता है कि सब लोग सीखें, परमेश्वर की आत्मा लोगों तक जाना चाहता है, परमेश्वर की आत्मा लोगों की अगुवाई करना चाहता है,
चाहता है कि तुम अपने उस बुरे कंडीशन से, तुम अपने उस हालात से बाहर निकलो, और बाहर निकलो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, मगर उसके लिए मुझे तुम मानोगे तभी होगा ये। मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको मानना जरूरी है, सब मैं आगे बताऊंगा। तो हम इस टीचिंग को शुरू करने जा रहे हैं, अपने जीवन में चमत्कार होने दो। राइट, अब कैसे होगा चमत्कार, मुझे क्या करना होगा, अब यही अगला सवाल है। क्या करना है मुझे, मुझे चाहिए चमत्कार, मेरे लिए नहीं चाहिए तो मेरे बच्चों के लिए चाहिए, मेरे लिए नहीं चाहिए तो मुझे इसके लिए चाहिए। तो किसी न किसी के लिए चाहिए आपको चमत्कार, राइट। पर करना क्या होगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं बता रहा हूं आपको। जिस काम को आप करते हुए आए हो या नहीं करते हुए आए हो मुझे पता नहीं है, और ज्यादातर लोग जो सुन रहे हैं, मैं जिन लोगों को जानता हूं, वो आप लोग करते हुए आए हो, वही आपको करना है। मगर आपको वो कैसे करना है वो हम सिखाएंगे। क्या करते हुए आए हो आप प्रार्थना करते हुए आए हो, राइट, और प्रार्थना ही करना है, और चमत्कार प्रार्थना से ही होगा। प्रार्थना जब करोगे, प्रार्थना करने से चमत्कार होने लगेगा, मगर आपको प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा। कैसे मुझे वो प्रार्थना करना है जिससे मेरे जीवन में, या मैं जिनके लिए चाहता हूं या चाहती हूं, उनके जीवन में चमत्कार हो। ठीक है, प्रार्थना आपके जीवन में कामयाबी ला सकता है। एक बार और बोलूंगा, प्रार्थना आपके जीवन में कामयाबी ला सकता है, ला सकता नहीं, लाता है। प्रार्थना आपके जीवन में कामयाबी लाता है और आपके सेहत को बेहतर रखता है, और आपको इतना बढ़िया बना देता है, एक एक ऐसा कामयाब व्यक्ति बना देता है, या ऐसे ऐसे व्यक्ति बनाता है जो दूसरों के लिए काम आ सके, दूसरों के आशीष का कारण बन सके। आप देखो, प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना करना नहीं है, प्रार्थना आपको एक ऐसा व्यक्ति बना देता है, वो आपको कामयाबी तो लाता ही है, और आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाता है कि आप दूसरों की भी आशीष के कारण बन जाते हो। कितने लोग चाहते हो, आप चाहते हो कि आप दूसरों के आशीष के कारण बन सको। आपके जीवन में कामयाबी चाहिए और आपको दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर सामर्थ्य है। प्रेयर इज द ग्रेटेस्ट फोर्स इन द एंटायर वर्ल्ड, मतलब पावर है वो पावर है कि वो आपको आगे लेके चलेगा। प्रार्थना करना है आपको, और कैसे करना है, और किस टाइप में करना है, और क्या करना है, ये सब हम आपको आने वाले इस वीडियो में, इसमें भी बताएंगे, आने वाले हफ्ते में भी बताते रहेंगे, आपको लेके चलते रहेंगे। मगर आपको सबसे पहले समझना है कि मुझे प्रार्थना करना है। प्रार्थना से सब कुछ सही हो सकता है। समस्या चाहे कोई भी हो, कठिनाई चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, मामला कितना उलझावा क्यों ना हो, समस्या चाहे कुछ भी हो, कठिनाई कैसी भी हो, मामला कितना उलझावा क्यों ना हो, प्रार्थना उसे हल कर सकता है। प्रेयर कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। प्रार्थना आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और सिर्फ सॉल्व ही नहीं कर सकता है, वो आपके जीवन में खुशी ला सकता है, और आपके खुशहाल, मैं खुशी बोलूंगा, और आपको खुशहाल सॉल्यूशन ला सकता है, समस्या का समाधान ला सकता है, जॉयफुल सॉल्यूशन ला सकता है आपके लिए। प्रार्थना सिर्फ आपकी चीजों को ठीक नहीं करता, बल्कि वो आपको बेहतरीन सॉल्यूशन, खुशहाल सॉल्यूशन ला सकता है। आप सोचोगे कि क्या बेहतरीन हुआ ये, कि जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, जब मैंने सही ढंग से प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने सही मानने में प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने इसे मानकर प्रार्थना करना शुरू किया, तो मेरे जीवन में बेहतर चीजें होने लगी। अपने जीवन में चमत्कार आपको होने देना है ना, अपने ही बातों से, अपने ही अविश्वास से, अपने ही विरोध से, या अपने ही बुरे सोच विचार से, अपने ही नकारात्मक बातों से, अपने चमत्कार को रोको मत, अपने चमत्कार को होने दो। राइट, इसीलिए इस टाइटल का नाम रखा है, अपने जीवन में चमत्कार होने दो, अपने जीवन में चमत्कार होने दो, अपने जीवन में चमत्कार होने दो। राइट, और कितने लोग मानते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार होगा, जरूर होगा, जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, जब सही ढंग से प्रार्थना करोगे, तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। मैंने आपको बताया, चाहे समस्या कोई भी क्यों ना हो,
मामला जितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, कठिनाई जितनी बड़ी क्यों ना हो, कोई बात नहीं, प्रार्थना उसे सॉल्व कर सकता है। मेरी प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, मगर मैं जब मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना करूंगा, है ना, ईश्वर से जब मैं प्रार्थना करूंगा, जरूर मेरी प्रार्थना का जवाब आएगा, राइट। निरंतर प्रार्थना करने से, निरंतर प्रार्थना करना है आपको, है ना, निरंतर प्रार्थना करना है, निरंतर परमेश्वर से बात करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। निरंतर प्रार्थना करने से जो चीजें ठीक नहीं भी हो सकती वो भी ठीक हो सकता है। निरंतर प्रार्थना करने से जो चीज लग रहा है कि ठीक नहीं हो सकता, जो चीज हमें लग रहा है कि ये ठीक हो ही नहीं सकता, मगर निरंतर प्रार्थना से वो चीजें भी ठीक हो सकती है जो ठीक नहीं हो सकती है। ऐसे बहुत सारी गवाहियां आपने सुनी है, बहुत सारी चीजें हुई है, आपने बड़े बड़े आजकल बड़े बड़े फिल्म स्टारों के साथ भी ये सारी चीजें हुई है, और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, और बड़े बड़े चीजें आपके साथ हो सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं जो ठीक नहीं हो सकता, मगर प्रार्थना जवाब लेके आता है। और सिर्फ प्रार्थना कैसे करना है, प्रार्थना में किन चीजों को ध्यान रखना है, प्रार्थना कैसे किया जाता है, प्रार्थना में क्या चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, प्रार्थना क्या है, और कैसे हम वो प्रार्थना करें जिससे चमत्कार हो सके, कैसे वो प्रार्थना करें जिससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आए, कैसे प्रार्थना वो करें जिससे समाधान होने पाए, वो प्रार्थना हमें करना है, राइट। तो चलिए हम परमेश्वर के वचन से आरंभ करेंगे, फिर वहां से मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप भजन संहिता 46:46 पहला वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 46:1 पढ़ेंगे, जहां ये लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। देखिए, परमेश्वर जो है मेरा स्ट्रेंथ है, रिफ्यूज है। सबसे पहले तो परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है। जब हमारे पास प्रॉब्लम है, समस्या है, हमें लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें लगता है कि हम किस टाइप से अप्रोच करेंगे इसको, कैसे ठीक होगा, हमें नहीं, हम अपने स्ट्रेंथ, अपने सामर्थ्य को देखते हैं, अपने जुगाड़ को देखते हैं, अपने पास क्या है इसे देखते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरा स्ट्रेंथ है ना, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है ना। कितने लोग कहना चाहते हो, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, गॉड इज द रिफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, राइट, गॉड इज माय रिफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा मेरा बल है। इस प्रॉब्लम को मैं फेस कर रहा हूं, मगर ये मैं अपने आप में फेस नहीं करूंगा, इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरा स्ट्रेंथ है और परमेश्वर मेरा बल है, राइट। फिर उसके बाद वो कह रहा है, संकट में अति सहज, मतलब संकट के समय में, प्रॉब्लम के समय में अति आसानी से, अति सहज माने आसानी से, सरलता से, सरलता से मिलने वाला हेल्प, मतलब कि हम, हमें लगता है कि अभी मैं इस प्रॉब्लम में हूं, मेरे को कहां से हेल्प मिलेगा, ये मेरा हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, वो मेरा हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, वो मेरी हेल्प करेगी कि नहीं करेगी, मुझे पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, मगर वो कह रहा है कि आदि अति आसानी से मिलने वाला हेल्प माने, अति आसानी से हेल्प कैसे मिल सकता है आपको, अति आसानी से हेल्प कैसे मिल सकता है, हम सोचते हैं कि इसको फोन लगा, उसको फोन लगा, इसको फोन लगा, इधर जा, उधर कर, ये कर, मगर अति आसानी से हेल्प तब मिल सकता है उस प्रॉब्लम के समय में, आप परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करना है, यही आपका हेल्प है, प्रार्थना ही मेरा हेल्प है, प्रार्थना ही मेरा हेल्प है। अति सहज, आसानी से मैं क्या कर सकता हूं, आसानी से मुझे क्या करना है, आसानी से मैं आपको बता रहा हूं, मेरे लिए किसी से फोन करके कुछ मांगना या किसी से कुछ बोलना, किसी से कुछ मांगना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब क्या कर सकता हूं मैं, किसके पास जाऊंगा मैं, आसानी से किसके पास जा सकता हूं, आसानी से परमेश्वर के पास जा सकता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं वो मेरा शरण स्थान और बल है, और मैं आसानी से प्रार्थना में उसके पास जा सकता हूं, और प्रार्थना में जाके उससे कह सकता हूं, परमेश्वर ये समस्या आया हुआ है, ये समस्या मेरी नादानी की वजह से आया है, ये समस्या हमारे हमारे सही से पालन नहीं करने की वजह से आया है, ये समस्या किसकी वजह से आया है मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं समस्या, कई सारी समस्या आई है, मगर इसे ठीक कैसे करना है, मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि वचन कहता है, भजन संहिता 46:1 कहता है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, मतलब जब मैं प्रॉब्लम में हूं तब मेरे को हेल्प कहां से मिलेगा, परमेश्वर से हेल्प मिलेगा, और वो हेल्प मिलेगा कैसे, अपने आप नहीं, अपने आप नहीं,
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो जब संकट के समय पर, परेशानी के समय पर आपको जाके परमेश्वर से बात करनी चाहिए और आपको जवाब प्राप्त करना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि नहीं, जब संकट आएगा तभी मैं जाऊंगा, अभी तो मुझे कोई संकट नहीं है, अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है। नहीं, प्रॉब्लम आने तक इंतजार मत करो मेरे दोस्तों, प्रार्थना रोज किया करो। रोज प्रार्थना करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे, जब कभी परेशानी आएगी तो आप आसानी से परमेश्वर के पास जा सकते हो, है कि नहीं है? है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों से कभी बात नहीं करते हैं, है ना, कॉलिंग नहीं होती है हमारे साथ, कम्युनिकेशन बहुत गैप हो जाता है। और जब भी कभी मुसीबत आता है, जब हमें लग रहा है कि वो व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है, देन हमारे अंदर एक हिचक रहती है कि कैसे हम उसको बोलेंगे। यदि अगर हम फोन करेंगे तो भी वो ये सोचेगा कि अभी इसको जरूरत है, इस वजह से फोन कर रहा है कि नहीं। वही चीज परमेश्वर के पास भी लागू हो जाता है कि परमेश्वर के साथ हमारा हमारा कोई संगति नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारा कुछ नहीं है, मगर फिर हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर अब मैं फंस गया हूँ, अब मुझे आप किसी भी तरीके से आप एक काम करो, आप मुझे इसमें से बाहर निकालो। तो ऐसा नहीं है, अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के रखोगे, परमेश्वर को हमेशा ये बोलते रहोगे, परमेश्वर तू ही मेरे शरण स्थान और मेरा बल है, और मैं अतिशय से मिलने वाला जवाब तू है, तेरे पास से हेल्प मिलेगा, अतिशय से मिलने वाला सहायक है वो, ही इज द हेल्पर। वो हेल्प करने आएगा आपको, कैसे हेल्प करेगा जब प्रार्थना करो, कैसे हेल्प करेगा? आपको मार्ग दिखाएगा, आपको आपको बताएगा कहाँ फोन करना है, आपको बताएगा किससे बात करना है, आपको कोई ना कोई रास्ता, किसी ना किसी से बात करेगा। जब परमेश्वर किसी से बात करता है तो उनको वो काम करना पड़ जाता है, क्योंकि परमेश्वर उनसे बात करके कन्विंस कर देता है, परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता है, और आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका काम आसान हो जाता है। आप जब मांगोगे तो आपको मिलने लगेगा, आपका रास्ता खुलने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा किया है आपने। देखिए चमत्कार कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई चमत्कार होगा तभी निकलेंगे। नहीं, आप अपने दिमाग में मत करो, आपको कि परमेश्वर मुझे चमत्कार चाहिए। आपने एक हफ्ते एक एक साल का प्लान बनाया होगा कि मैं इसे ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा करूंगा, मगर आपको मालूम है कि कल क्या होगा? नहीं पता। इसीलिए प्लान करना अच्छी बात है, पर हमें पता नहीं कल क्या होगा, इसीलिए आज ही परमेश्वर के पास जाए। परमेश्वर ये चीजें हैं, आप मुझे इसमें से बाहर निकालें, मेरे जीवन में मुझे चमत्कार चाहिए, आप मेरे जीवन में चमत्कार करें, मेरे बच्चों के लिए चमत्कार करें, मेरे मेरे घर के लिए चमत्कार करें, मेरे परिवार के लिए चमत्कार करें। और यदि अगर वो अगर आपको इतना चमत्कार की जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो होगा जिसको चमत्कार की जरूरत होगी, किसी ना किसी को तो जानते होगे आप, जिसकी जिसको चमत्कार की जरूरत होगी उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हो, उसको आप समझा, आप उसको आप ये रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, समझा सकते हो, उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया, आशा करता हूं आपको ये समझ आ रहा है कि प्रार्थना से मेरे जीवन में चीजें चेंज हो सकती हैं। प्रेयर कैन चेंज माय लाइफ, प्रेयर कैन चेंज द सिचुएशन ऑफ माय लाइफ, प्रेयर कैन चेंज एंड ब्रिंग सोल्यूशन टू माय लाइफ, है ना। परमेश्वर प्रार्थना आपको बदल सकता है, प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकता है। प्रार्थना आपको करना शुरू करना है, प्रेयर करना शुरू करना है आपको। और क्यों? क्योंकि आप चमत्कार चाहते हो। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़े हैं। ओके, मैंने अपने जीवन में प्रार्थना का सामर्थ्य देखा है, कैसे प्रार्थना हमारे जीवन में चीजें चेंज करता है। बहुत सारी समस्या में फंस जाते हैं हम लोग, नादानी की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, कई बार गुस्से की वजह से, कई बार हठीलेपन की वजह से, कई बार उतावलेपन की वजह से। क्यों परेशानी में पड़ते हैं वो बता रहा हूं मैं। कई बार उतावलेपन की वजह से, कई बार नादानी की वजह से, कई बार क्रोध की वजह से, कई बार हमारे ईगो की वजह से, है ना, कई बार उन्होंने ऐसे किया तो मुझे भी ऐसा करना, उसकी वजह से। तो कई बार हम परेशानी में फंसते किस लिए? किसी की वजह से नहीं फंसते हम, अपने आप की वजह से फंसते हैं। तो जब हम फंसते हैं तो उसमें से निकलेंगे कैसे? उसके लिए परमेश्वर ही सहायक है मेरे दोस्तों। इसलिए शर्माओ मत, हिचकिचाओ मत, है कि नहीं, है? सोचो मत प्रार्थना मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, बाकी सब चीज के लिए टाइम है
है ना, इंस्टाग्राम के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, बाहर खाना खाने के लिए जाने के लिए टाइम है, सजने संवरने के लिए टाइम है, सजने संवरने के लिए टाइम है, इधर जाने के लिए टाइम है, उधर जाने के लिए टाइम है, बट दे डोंट हैव टाइम टू प्रे, है ना, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। मगर मैं कहता हूँ प्रार्थना करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें और बेहतर होगी। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल, आपकी स्ट्रगल कम करता प्रार्थना। कई बार तो इतना तक कर देगा कि स्ट्रगल ही नहीं है मेरे लाइफ में अब, क्योंकि परमेश्वर ने इतना आसान कर दिया, क्योंकि अति सहज से मिलने वाला सहायक, मतलब द हेल्प विल कम, मतलब ज्यादा ट्राई मारने की जरूरत नहीं है, हेल्प आने लगेगा आपको, आसानी से हेल्प आने लगेगा, और परमेश्वर चाहता है आपका हेल्प करना। कितने लोगों को पता परमेश्वर चाहता है आपको हेल्प करना, हेल्प करना चाहता है आपको, मगर वो कह रहा है तुम्हें चाहिए हेल्प तो बताओ, क्योंकि परमेश्वर के बारे में समझना चाहिए आपको। परमेश्वर जान पाए, वो आप कह सकते हो अब परमेश्वर को तो सब पता हुआ हो, क्यों नहीं करते, करते हैं, परमेश्वर को सब पता है, सब कुछ मालूम है, वो तो बोलने से पहले ही उनको पता, बाइबल कहता है तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। या बिल्कुल ठीक है, उसी यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम्हारे पिता जानता है कि तुम मांगने से पहले तुम्हें क्या चाहिए, और मगर उसी यीशु मसीह ने थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि वो, क्योंकि एक नियम नियम है, अगर आप इस नियम को समझोगे देन आपको समझ में आएगा। ये सब क्यों बोलते हैं, क्योंकि नियम के, हम इस सृष्टि में जब जीते हैं कुछ नियम है हम कंट्रोल करती है, देयर इज अ लॉ, है ना, लॉ ऑफ लाइफ, है ना, अगर आप लॉ ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो है कुछ नियमों के अंतर्गत परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, और वो नियम इस सृष्टि को देखभाल कर रहा है, और सृष्टि अगर आपको जवाब दे तो आपको नियम को पालन करोगे तो सृष्टि आपको जवाब देगा, है ना। सृष्टि आपको जवाब कैसे देता है, सृष्टि आपको बहुत तरीके से जवाब देता है ना। अगर आप बड़े ऊंचे पहाड़ से नीचे कूद जाओगे तो सृष्टि जवाब दिया है, सृष्टि कहता है कि तुम नियम का पालन, किसने कहा तुम्हें कूदने के लिए, है ना, नियम है वो, आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। बहुत सारे नियम है, मैं अभी इस टीचिंग में आपको वो सब चीजें नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक अलग टीचिंग में चला जाएगा, तो इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं। और ये कहते हैं कि लॉ ऑफ लाइफ, जीवन का नियम, जीवन का नियम है, उस नियम को पालन करना है। परमेश्वर चाहता है कि जब आप प्रार्थना करते हो तो आप उस जीवन के नियम को पालन करते हो, क्योंकि आप क्या करते हो, विश्वास करते हो प्रार्थना करते समय, और जीवन का नियम, विश्वास का नियम कनेक्ट होता हमेशा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि वो जीवन का नियम है। परमेश्वर ने जब इंसान का जीवन बनाया तो उसमें ये जीवन में विश्वास का नियम उन्होंने डाल दिया, ऐसे ही परमेश्वर ने बनाया। अब हम क्यों बनाए ये परमेश्वर के पास जाके पूछना पड़ेगा, परमेश्वर ऐसे क्यों बना दिया आपने, है ना, विश्वास करने के लिए क्यों रखा, परमेश्वर कहता है ये ऐसे ही मैंने बनाया, विश्वास करोगे तो मिलेगा। तो विश्वास का नियम पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप विश्वास करोगे तो नियम आप पालन कर रहे हो। और विश्वास प्रार्थना, मैंने आपको इससे भजन संहिता 66 का 66 के बारे में जब मैं बात कर रहा था, मैं उसमें बता रहा था, अगर आपने नहीं सुना तो आप जाके सुन सकते हो, उसमें मैंने बताया है कि कैसे एक क्यों एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है। विश्वास रहेगा तो जरूर प्रार्थना करेगा, विश्वास ही प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है हमको, इंस्पायर करता है हमको। तो विश्वास अगर करते हो आप देन आप जरूर प्रार्थना करोगे, और विश्वास का प्रार्थना कैसे करना है आपको, ये आपको अपने आप नहीं आएगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। मैंने सीखा है इसलिए आपको सिखा रहा हूं, सीखना पड़ेगा, और मैं अभी भी सीख रहा हूं, हम अभी सीख ही रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं, है ना। विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेगा, है ना, विश्वास, धर्मी की प्रार्थना सुनी जाती है ना। धर्मी कौन है, जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, और विश्वास क्या करता है, आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है आपको, आपको आपको एनकरेज करता है आपको, है ना, आपको मोटिवेट नहीं बोलूंगा, मोटिवेट नहीं करता, बल्कि मैं तो हमेशा मोटिवेट शब्द में इस्तेमाल नहीं करता, इंस्पायर करता है ना, इंस्पायर आपको करता है आपको प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि आप विश्वास करते हो, है ना। जल्दी से हम लोग मरकुस के पुस्तक में जाएंगे, और यहाँ पर देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये इसके बारे में विस्तार से प्रचार कर सकते हैं, मगर अभी मैं सिंपल 11 मत्ती मरकुस 11:24 पढ़ रहा हूँ। इसके बारे में बहुत विस्तार से प्रचार कर सकते हैं कि यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, कैसे पेड़ को देखा, पेड़ के बारे में है, कैसे पेड़ को उन्होंने शाप दिया और पेड़ सूख गया, और जब सूखने के बाद पतरस से उनकी इंटरेक्शन हो रहा है, पतरस पूछ रहा है कि यीशु आपने कहा और ये सूख गया, फिर वो उसको समझा रहे, मगर वहां पर कुछ बेहतरीन बात बोल रहे हैं प्रभु यीशु, और वो बेहतरीन बात देखिए मरकुस 11:24 में लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं, यीशु कह रहा है, इसलिए मैं तुम्हें ये बताता हूं
कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगो। देखिए, अब वो पेड़ के बारे में बात हो रही है, पतरस पूछ रहा है, प्रभु ये पेड़ सूख गया और कल आपने बोला था कि सूख जा, जड़ से सूख जा, शाप दे दिया उसको और वो सूख गया। अब वो इस बात को देखकर, पेड़ को सूखता हुआ सूखा देखकर पतरस बड़ा हैरान हो रहा है, शिष्य बड़े हैरान हो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या हुआ परमेश्वर यीशु मसीह को। यीशु मसीह कहता, परमेश्वर पे विश्वास रखो और परमेश्वर पे विश्वास रखो और तुम बोलोगे तो होगा तुम्हारे। और उसी कॉन्टेक्ट में ये बात हो रही है। अब वो कह रहे, इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगो, सब लोग बोलो प्रार्थना में जो कुछ मांगो, है ना, प्रार्थना में जो कुछ मांगो। कई बार ये जो कुछ मांगो जब बोलते हैं ना, यहाँ ये मांगने का सिस्टम, मांगना जो है आपको समझना पड़ेगा कि मुझे मांगना कैसा है। देखो, एक मांगना होता है मुझे दो, एक मांगना होता है क्या आप मुझे दोगे, है ना, एक मांगना होता है क्या आप मेरी मदद करोगे। बहुत सारे तरीके मांगने के, है ना, आपको सीखना कैसा मांगना चाहिए। और यहां पर इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम प्रार्थना कर के जो कुछ मांगो, कैसे मांगोगे, है, परमेश्वर के पास जाओगे तो मांगोगे कैसे। बहुत सारे लोगों को पता, परमेश्वर मेरे को ठीक कर दो, मेरे को ठीक कर दो। अरे ठीक कर दो, ठीक है, इसके बारे में मैं अगले एपिसोड्स में, आने वाले भाग में बताऊंगा कि आपको क्या बोलना चाहिए, है ना, क्या परमेश्वर से बोलना ठीक नहीं है कि मुझे ठीक कर दो। हाँ बोल सकते हो आप, मुझे ठीक कर दो, मगर हम आपको और बेहतरीन तरीका सिखाएंगे कि क्या बोलोगे, कैसे चमत्कार को होने दोगे, क्या बोलोगे आप परमेश्वर के पास जाके, है ना, वो सब हम आपको सिखाएंगे। पर हम इसको पहले समझ लो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम प्रार्थना करके जो कुछ मांगो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया। अब देखो, अब क्या कह रहे हैं कि पहले तो तुम मांगो फिर विश्वास करो। क्यों परमेश्वर विश्वास क्यों करना है? क्योंकि विश्वास जो है इस जीवन का नियम, अगर आप जी रहे हो तो आप विश्वास से जियोगे, विश्वास से सब कुछ करते हो, है ना। आप पूरे 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक नौकरी करते हैं। क्यों नौकरी करते हैं? क्योंकि विश्वास है कि हमें तनख्वाह मिलेगा, है ना, सैलरी, क्योंकि मैंने काम किया है, वो नियम है। और उस जब आप एक बार काम कर ले तो एक एक महीने तक, और दूसरा बंदा अगर आपको सैलरी नहीं देगा तो वो उस नियम को तोड़ रहा है ना। और आपको पता है कि उसके उस नियम के बेस पे आप उससे झगड़ा करके अपना तनख्वाह ले सकते हैं क्योंकि आपने काम किया है ना। उसी तरह जीवन का नियम क्या है? विश्वास करना। और परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू जीवन के नियम जी रहा है, इस पृथ्वी में जीवित है, तो तेरे को यह समझना चाहिए कि एक विश्वास का नियम है। हेलो, लॉ ऑफ बिलीफ बोल सकते हो, लॉ ऑफ बिलीफ है, विश्वास का नियम। अब ये विश्वास का नियम जो है आपको आगे लेके जाएगा। अब वो यीशु बोल रहा है कि जब तुम प्रार्थना करके मांगो तुम प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। मान कह रहा है कि प्रार्थना करके मांगना सिर्फ काफी नहीं है मेरे दोस्तों, मैंने प्रार्थना किया और मैंने मांगा हो जाएगा, नहीं। वो कह रहा है कि प्रार्थना करके मांगने के बाद मान लो कि जो मैंने प्रार्थना करके मांगा है वो मुझे मिल गया है। हेलो, वो मुझे मिल गया है और वह तुम्हारा हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, सिंपल सी बात बोल दी प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रार्थना करने जाओगे तो एक एक चीज को याद करके जाओ, क्या है प्रभु, क्या है? अगर प्रार्थना करने जा रहे हो तो क्या क्या करने जा रहे हो? प्रार्थना करने जाने से पहले, प्रभु क्या मैं जो मांगने जा रहा हूं, क्या मैं मानता हूं कि ये मुझे मिल जाएगा? यही तो बोल रहा है, मान लो कि मिल जाएगा। मिल जाएगा कि बोलना भी ठीक नहीं है, मिल गया है बोल रहा है वो तो। प्रभु यीशु तो कह रहा है कि मिल गया जी, अब मुझे मिल ही गया तो मैं प्रार्थना क्यों करूं। ओ माय गॉड, जीसस की टीचिंग पावरफुल है। वो कह रहे हैं कि प्रार्थना करने जा रहे हो, आप जब प्रार्थना करने जाओगे और आप मांग रहे हो प्रभु से और विश्वास कर रहे हो कि वो प्रभु मुझे मिल गया है, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते में मैं आपको इसका सीक्रेट बताऊंगा कि क्या हो रहा है या क्या बोल रहा है प्रभु यीशु नाम पे। और आपको ताज्जुब होगा या आपको आप सोचोगे कि वाकई में हमने मिस कर दिया कि प्रार्थना कितनी बेहतरीन चीज है। प्रार्थना जैसे लोग सोच रहे हो वैसे नहीं है मेरे दोस्तों,
घुटने टेक के प्रार्थना करना, अगर आपको आपको अच्छा लगता है घुटने टेक के प्रार्थना करो, अगर आपको लग रहा है कि बैठ के प्रार्थना करना बैठ के प्रार्थना करो, अगर आपको लग रहा है कि खड़े होकर प्रार्थना करना आप खड़े होकर प्रार्थना करो, अगर आपको लगता है कि मुझे रो के प्रार्थना करना चाहिए तो रो के प्रार्थना करो, है, अगर आपको लग रहा है कि मैं बिस्तर पर लेट के प्रार्थना करना चाहता हूं तो लेट के प्रार्थना करो। मगर वो प्रार्थना करते समय क्या ध्यान होना चाहिए आपको, विश्वास से, है ना, विश्वास कर लो, विश्वास करके प्रार्थना करो, है ना, विश्वास करो कि मिल गया है। और मैं कह रहा हूं कि जब विश्वास कर लोगे कि मिल गया है फिर प्रार्थना करोगे क्यों, यही पॉइंट है, तभी तो चमत्कार होगा। चमत्कार को होने दो, जब आप इस प्रार्थना के अंदर रहे हुए सीक्रेट को समझ लोगे, ये सीक्रेट भी नहीं है, ये तो नियम है, विश्वास का नियम है, है ना, लॉ ऑफ बिलीफ है, लॉ ऑफ बिलीफ है ना, कितना लोग समझ रहे हो, है? कोई मुश्किल काम नहीं है प्रार्थना करना दोस्तों, आसान काम है अगर आप उसे समझ लोगे। और मैं कहता हूं आसान से ज्यादा बड़ा ही खुशहाल और बहुत ही बड़ा आनंद आता है जब आप उस प्रार्थना को समझ लोगे, प्रार्थना का पावर को समझ लोगे, प्रार्थना में क्या करना है उसे समझ लोगे, तो आपको आप प्रार्थना करे भी कर रह नहीं सकते, क्योंकि प्रार्थना में इतना आनंद है। प्रार्थना एक बहुत बेहतरीन काम हो जाता है जो आप हर बार करना चाहते हो, हर वक्त करना चाहते हो, है ना, क्योंकि आपको अच्छा लगने लगा ये प्रार्थना, है ना, प्रार्थना करना मुझे अब अच्छा लगने लगा, क्योंकि अब मैं अपने सारे प्रॉब्लम की लिस्ट बनाकर परमेश्वर के पास जाकर प्रभु ये कर दो ऐसा कर दो वैसा कर दो ये होगा, और देन उसके बाद आप उसके पास सोच रहे हो कि होगा कि नहीं होगा, उसके बाद अपना दिमाग लगा रहे हो, उसके पास सोच रहे हो कि कैसे जुगाड़ लगाऊं मैं। नो, यहां पर कहा गया है प्रार्थना करके मांगो और विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है, ये यहां पर है। और जब ऐसी प्रार्थना जब आप सीख लेते हो तब आपको मजा आएगा प्रार्थना करने में, प्रार्थना करने का एक अजीब ही आनंद आने लगेगा। उसके लिए आपको कोई प्रेयर मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत जाओ प्रेयर मीटिंग जाया करो, मगर मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आपको प्रेयर मीटिंग में जाने के बाद ही प्रार्थना करना। नो, मैंने बताया ना कोई पोस्चर की वो नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने यहां तक कहा कि प्रार्थना करना तो अपने कमरे में जाओ कपड़ा बंद करके प्रार्थना करो, अगर कमरा बंद करके प्रार्थना करो, जो गुप्त में पिता देखता है तुम्हें क्या करते हो उसके लिए तुम्हें इनाम देता है, गुप्त में कैसे, जब मैं कमरा बंद करूंगा तो मेरे घर वालों को तो पता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वो भी सही इंटरप्रिटेशन नहीं है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या गुप्त में प्रार्थना करना क्या मतलब होता है। हेलो, तो कितने लोगों को लग रहा है अगर हम प्रार्थना सीख लेंगे और प्रार्थना में क्या करना है वो सीख लेंगे तो चमत्कार मेरे जीवन में भी होने लगेगा। और मेरा मन हमेशा जवान बच्चों को पीछे लगा हुआ है ना, जो जवान है जो बड़े हो रहे हैं अभी, उन बच्चों के पीछे लगा रहता है, क्योंकि मेरी आत्मा उनको ढूंढता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो जवान बच्चे समझे इस पावर को अपने लाइफ में, स्ट्रगल कंपटीशन में ना उतरो, बल्कि परमेश्वर के सम्मुख में जाओ और करो कि गॉड इज माई रिफ्यूज एंड माई शील्ड, है ना, स्ट्रेंथ है, परमेश्वर मेरा शील्ड है, परमेश्वर मेरा स्ट्रेंथ है, राइट। चलिए आगे और डिटेल हम अगले हफ्ते में कंटिन्यू करेंगे, मगर मैं आपको चाहता हूं कि इस हफ्ते आप एक आइडिया से शुरू करो, अपने दिमाग में एक आइडिया डालो, है ना, अपने दिमाग में एक 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 विचार को अपने अंदर आने दो, और ये विचार अंदर आने दो कि इसको मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इंग्लिश में अगर आप इसको समझोगे तो मैं इंग्लिश में बोलकर फिर हिंदी में बोलता हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ में समझ में आ जाए। नरिश द आइडिया दैट गॉड इंडवेल्स यू एंड हिज लव फिल्स योर सोल, मतलब आपको इस बात को आपके अंदर डालना है कि परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, ईश्वर आपके अंदर वास करता है, प्रभु आपके अंदर वास करता है, इस आइडिया को सबसे पहले अपने अंदर लेके आना है, यही भजन संगीता बता रहा है। अगर आप इस आइडिया को अंदर नहीं डालोगे तो आपको कैसे पता है कि परमेश्वर मेरा सहायक है, क्योंकि वो सहायक कहीं और नहीं मेरे अंदर वास करता है। नरिश द आइडिया
नरिश द आइडिया दैट गॉड इंडवेल्स यू, मतलब इस आइडिया को अपने अंदर पनपने दो, अपने अंदर जड़ पकड़ने दो कि परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है और उसका प्रेम मेरे आत्मा को भर रहा है, उसका प्रेम मेरे मन को भर रहा है, उसका प्रेम मेरे सारे हृदय को भर रहा है। और मैं बता रहा हूं आपको, इसको रोज आपको बोलना है, परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है, ईश्वर मेरे अंदर वास करता है, प्रभु मेरे अंदर वास करता है ना, प्रभु जीवित जीवन मेरे अंदर वास करता है, प्रभु मेरे अंदर वास करता है और उसका प्रेम मेरे मेरे मन को भरता है। सबसे पहले क्या है, मेरे मन को नफरत, प्रेम, विरोध, टेंशन, इन सब चीजों से, प्रेम से वो मुझे भरता है। हेलो, नरिश द आइडिया दैट गॉड इंडवेल्स यू एंड हिज लव फिल्स योर सोल। प्रभु मेरे अंदर वास करता है, परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है। करना चाहोगे? ये फर्स्ट स्टेप है अपने जीवन में चमत्कार को होने देना। सबसे पहले आपको ये अंदर अंदर अपने अंदर लेके आना है कि परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है और मुझे मेरे आत्मा को, मेरे मन को, मेरे विचार को प्रेम से, अपने प्रेम से भरता है। परमेश्वर आपको मार्गदर्शन कर रहा है, परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर आ रहा है, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आ रहा है, परमेश्वर आपको बल और ताकत से भर रहा है। मेरे दोस्तों, जब ऐसी चीजों को आप अपने अंदर लेके आते हो तो परमेश्वर का कार्य आपके अंदर होने लगता है और परमेश्वर से ज्यादा दूर नहीं रह पाओगे आप। परमेश्वर प्रार्थना माने परमेश्वर के साथ संगति करना है। इंसानों के साथ संगति करना तो ठीक है, कर सकते हो, मगर परमेश्वर के साथ संगति करना बहुत बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत समझ आया होगा आपको। अभी एक छोटा सा प्रेयर मैं इसमें करूँगा और इस प्रेयर को मैं बोलता हूँ और आप लोग उसको, मैं उसे, इस प्रेयर को मैं इस चैनल के नीचे भी डाल दूंगा तो आप लोग भी उसको रोज उसको पढ़ सकते हो और इसको आप रोज पढ़ो। और ये बहुत ही कुछ अच्छे अच्छे शब्द से बना हुआ है और ये बेहतर है, आपको प्रेयर में यूज़ कर सकते हो आप इसको। अगर आप इसे इसको रोज खोलकर अगर आप वर्णन लगोगे या कॉपी करके रख लोगे कहीं पर, तो आप इसको रोज पढ़ोगे तो आपको धीरे 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 आप और कनेक्ट होने लगोगे और आपके अंदर काम होने लगेगा, ठीक है। और इस प्रेयर के बाद हम इस आज के इस पाठ, इस वचन को, इस सर्म को क्लोज करेंगे और अगले हफ्ते अगला पाठ हम बाद में जल्दी से जल्दी हम डालेंगे ताकि आप लोग सीखो और आप लोग इसको अपने सब्सक्राइब करके रख लो, लाइक करके रख लो ताकि आपको कभी भी वीडियो आए तो आपको पता रहे कि भाई आ गया है। और कोशिश करो कि लोगों को सेंड करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि प्रार्थना क्या है। लोगों को पता नहीं कि कैसे चमत्कार होगा, कैसे मुझे छुटकारा मिलेगा, कैसे मुझे आज़ादी मिलेगी, कैसे मैं इस जंजाल से कैसे बाहर निकलूंगा, कैसे मेरा रिलेशनशिप ठीक होगा, कैसे मेरा फाइनेंस ठीक होगा, कैसे मेरी तबीयत ठीक होगा, कैसे मेरे बच्चे ठीक होंगे। तो ये सारी चीज़ों का जवाब है प्रार्थना। और प्रार्थना, वो प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने बताया है ना, प्रार्थना करते समय क्या बोला प्रभु, मार्कुस में क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि प्रार्थना करते समय जो कुछ तुम मांगो विश्वास कर लो कि वह मिल गया। और ये विश्वास कर लो मिल गया, इसके बारे में हम टीचिंग करेंगे, हमको समझाएंगे कैसे विश्वास करेंगे, कैसे मिल गया करके मान लेंगे, जो चीज़ अभी हाथ में ही नहीं आया या जो चीज़ हुआ ही नहीं है, जो चीज़ हमें पता ही नहीं है कैसे हो गया, वो मैं हम आपको सिखाएंगे और तुम्हारे लिए हो जाएगा। उन्होंने कहा यदि अगर तुम ये दो काम सही से कर लोगे, एक प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करके मांगोगे और मान लोगे कि तुम्हें मिल गया, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इस प्रचार में, इस विश्वास के साथ आप भी आगे बढ़ो। और ये मैं आपको एक प्रार्थना कर रहा हूँ और आप लोग इसको, एक प्रार्थना है और अंगीकार भी है, अगर आप इसको रोज पढ़ोगे तो आपके लिए बढ़िया है और आगे आपको आत्मा में ताकत मिलता रहेगा। चलिए, परमेश्वर ही एकमात्र उपस्थित और एकमात्र शक्ति है और मैं उसमें एक हूं। मतलब कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ही एकमात्र शक्ति है और मेरे लिए अवेलेबल है और मैं उसके साथ हूं, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूं। परमेश्वर की शक्ति ही मेरी शक्ति है। कैसे हो सकता परमेश्वर की शक्ति और मेरी शक्ति? नहीं, नहीं नहीं, बोलो आप, सवाल जवाब मत करो, बोलो परमेश्वर की शक्ति मेरी शक्ति है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाया, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, तो इसलिए परमेश्वर की शक्ति मेरे अंदर काम करती है।
उसकी बुद्धिमता मेरे दिमाग में छा जाती है, मतलब परमेश्वर द विजडम ऑफ गॉड है ना मेरे को भर देता है। परमेश्वर का जो बुद्धि है, परमेश्वर का जो ज्ञान है, वो मेरे अंदर धीरे धीरे आने लग रहा है। देखिए कितने बढ़िया है वह, ये नई जागरूकता मुझ में, मुझे मेरे जीवन के हर विभाग में पूर्ण प्रभुता प्रदान करती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं जिस भी क्षेत्र में मेरे जीवन में, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो मेरे मेरे काम का हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे हर एक डिपार्टमेंट में परमेश्वर मुझे ताकत दे रहा है, प्रभुता दे रहा है। मैं उसको सक्सेस बना सकता हूँ, मैं उसको आगे बढ़ सकता हूँ, है ना। प्रभु परमेश्वर मुझे ताकत दे रहा है इसमें। मैं अब परमेश्वर की बुद्धि शक्ति और महिमा से जुड़ गया हूँ। वाओ कितना बढ़िया है, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की शक्ति और महिमा से जुड़ गया हूँ। कैसे कैसे जुड़ गए हो? विश्वास करने के द्वारा। जब आप मानते हो कि परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का समझ और ज्ञान मेरे अंदर आने लग रहा है, परमेश्वर का ज्ञान मेरे अंदर आने लग रहा है, परमेश्वर की शक्ति, शक्ति के बारे में मैं समझ रहा हूँ, विश्वास करने लग रहा हूँ, परमेश्वर की महिमा मैं दे रहा हूँ परमेश्वर को, तो मैं जुड़ गया हूँ और ये मेरे अंदर प्रवाहित होती है ना, मेरे अंदर ये प्रभावित होती है, कैसे मेरे अंदर काम करती है ना, किस तरीके से मेरे अंदर ये काम करता है, फ्लो है ना, मेरे अंदर कैसे फ्लो करता है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर की ऊर्जा और शक्ति मेरे अस्तित्व में प्रत्येक परमाणु, मतलब ये बड़ा डिफिकल्ट हिंदी है, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, आप सब लोगों को पता है मैं इतना हिंदी पढ़ नहीं पाता हूँ, मगर मैं मगर ये समझ सकता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है। मैं अगर मैं डाल दूंगा आप पढ़ सकते हो उसको, क्योंकि मैंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में से हिंदी ट्रांसलेट करके आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ। मगर ये कहता है कि परमेश्वर की जो शक्ति है, परमेश्वर का जो ऊर्जा है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, वो मेरे कण कण में बसता है, मेरे टिश्यू में, मेरे मसल में, मेरे बोन में, है ना, मेरे हड्डियों में सभी में परिपूर्णता से वो मेरे अंदर काम करने लगता है। परमेश्वर जीवन है और ये जीवन मुझ में है, आप बोल सकते हो, मेरे विश्वास नई नवीन कृता हो है, मतलब कि मेरा माय फेथ इज रिन्यूड है ना, रिन्यूमेंट आ रहा है मेरे। रिन्यू के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो मेरा इंग्लिश में मैंने प्रचार डाला है, रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड इंग्लिश में है, अगर आप लोग जाके सुन सकते हो, उसमें मैंने रिन्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट अभी डाला है, और भी पार्ट आएगा और आप लोग आगे भी सुन सकते हो। रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, कैसे क्यों हमारे माइंड सेट रिन्यू होना जरूरी है, वो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी लिखा है मेरा विश्वास जो रिन्यू हो रहा है, रिन्यू हो गया, मेरे जीवन शक्ति बहल हो गया है, परमेश्वर मुझ में चलता है और बोलता है, गॉड ड्वेल्स इन मी एंड टॉक्स इन मी, है ना, मेरे द्वारा परमेश्वर बात करता है, मुझे बताता है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उसके साथ साथ एक हूं, परमेश्वर के साथ एक हूं, उसकी सच्चाई मेरी ढाल। और यहाँ पहले इंग्लिश में आएगा कि इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि ही इज माई गॉड, आई एम वन विथ हिम, हिज ट्रूथ इज माई शील्ड एंड बकलर, है ना, वो मेरा बकलर मतलब सुरक्षा कवच है, वो है ना, शील्ड और सुरक्षा कवच। मुझे खुशी है कि ये उसके पंख, मैं उसके पंखों के तले, है ना, भजन संगीता 91 के बारे में ये बोल रहा है, मैं उसके पंखों के आड़ में रहता हूँ, क्या मैं उस पर भरोसा करूंगा, क्या मैं उस पर भरोसा करूंगा परमेश्वर पे, क्योंकि वो मुझे ऐसे ऐसी चीजें बता रहा है, ऐसी ऐसी चीजें दे रहा है कि वो कह रहा है कि तू मेरे पंख के आड़ में आ जा, तू मेरे शरण स्थान में आ जा, तू उस गुप्त स्थान में आ जा। वही लिखा है, मैं परम प्रधान के गुप्त स्थान में, मैंने बताया ना, मेरा भजन संगीता 91 का सबसे पहला वचन का रिकॉर्डिंग है, जो बहुत सारे लोगों ने सुना है, वो अभी इसमें नहीं है मगर किसी और चैनल में है, वहां से लेके मैं यहां डालूंगा। मगर उसमें मैंने समझाया कि शरण स्थान क्या होता है, मैं शरण स्थान के गुप्त स्थान में रहता हूं और मैं सर्वशक्तिमान की छाया में रहता हूं, मतलब कि परमेश्वर के गुप्त स्थान में रहता हूं। मैंने कैसे गुप्त स्थान में रहेंगे हम, परमेश्वर के गुप्त स्थान में कैसे रहेंगे, कहाँ पर जाके छुप जाएंगे, जब हम विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मानेंगे परमेश्वर को और परमेश्वर के गुप्त स्थान में रहेंगे और उसका सर्वशक्तिमान का छाया में रहता हूँ, मतलब परमेश्वर का जो साया है, जो परमेश्वर का जो साया मुझे हमेशा ठक के रखता है। जब हम परमेश्वर के निरंतर विश्वास करके
प्रार्थना करते और अपनी समस्या में हमेशा परमेश्वर को पुकारते, वो मेरे को जैसे भजन संहिता 46:1 में लिखा है, वो अतिशय से मिलने वाला सहायक है और मुझे पता है कि परमेश्वर के पास जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा और मैं विश्वास करके प्रार्थना करूंगा और मानूंगा जो मैंने मांगा है वो मेरे को मिल गया है और मेरे लिए हो जाएगा, मुझे ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए परमेश्वर रास्ता खोल रहा है, मेरे लिए मेरा परमेश्वर सब कुछ कर रहा है और मैं मेरे जीवन में मैं चमत्कार को होते हुए देखूंगा, मैं अपने जीवन में चमत्कार को होने दूंगा, है ना। मेरे जीवन में परमेश्वर चमत्कार ने काम शुरू कर दिया है। अगर आप ये मैसेज सुन रहे हो, आपने यहां तक सुना है, तो इसका मतलब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर चुका मेरे दोस्तों। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, परमेश्वर आपको सिखा रहा है, परमेश्वर आपको अंदर एक आत्मा में एक नयापन लेकर आ रहा है, रिन्यू कर रहा है आपके विश्वास को और आप परमेश्वर के साथ जुड़कर अपनी सारी समस्या का समाधान परमेश्वर से प्राप्त करोगे, अपनी स्ट्रगल अपने सोल्यूशन आपको मिलने लगेगा, प्रॉब्लम से हटकर आप सोल्यूशन की तरफ आने लगोगे और परमेश्वर आपके जीवन में बेहतर बेहतर तरीके से एक काम कर रहा है। और ये प्रार्थना मैं नीचे डाल दूंगा, आप लोग उसको पढ़ सकते हो, अंगीकार कर सकते हो, रोज बोल सकते हो, परमेश्वर मेरे लिए ये परमेश्वर मेरा बल है, ढाल है, ये सब बोलना है आपको, प्रार्थना करना है तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। आशा करता हूं आपको समझ आया, आपने सीखा कुछ और भी हम आपको सिखाएंगे। मेरे जीवन में चमत्कार होगा, यहाँ पे जहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मुस्लिम लोगों का वो चल रहा है, तो इसलिए आप लोग उसको सुन रहे हो, तो इस टाइम पे वो लोग प्रार्थना करते हैं, इसलिए आपको ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है। तो क्योंकि मैं जा रहता हूँ, ये कंट्री जो है ये मुस्लिम लोगों की ज़्यादा कंट्री है, इसलिए ये सब चीज़ें हैं और वो लोग अपने प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो, विश्वास करो और मांगो और आपको मिलेगा और आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है, होगा। जो भी चमत्कार आपको चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, हर छोटी चीज़ भी चमत्कार होता है, हर एक छोटी छोटी चीज़ चमत्कारी है।